दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से सामना करवाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वैसे तो हम फिल्मों में देखते रहते हैं कि इंसान अपने शरीर में रोबोटिक अंग लगा लेते हैं, लेकिन क्या असल जिंदगी में यह मुमकिन है? और अगर हम बात करें एक रोबोटिक आँख की, तो यह हमारी सोच से परे है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी जिसकी एक आँख रोबोटिक कैमरे की बनी है। रॉब स्पेंस एक कैनेडियन फिल्म मेकर है। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से इनकी आंख खराब हो गई। इनको बचपन से ही साइंटिफिक फिक्शन वाली फिल्मों में दिलचस्पी थी। इनकी यह रोबोटिक आंख 2008 में लगी थी। इनकी आंख में एक वायरलेस कैमरा फिट है जिसके साथ एक माइक्रो ट्रांसमीटर, एक बैटरी और एक मैग्नेटिक स्विच लगा है जो कैमरे को ऑन ऑफ करता है। रॉब स्पेंस को अपनी इस अनोखी आंख की वजह से आईबॉर्ग कहा जाता है। यह आईबॉर्ग प्रोजेक्ट मार्टिन लिंग और डिजाइनर कोस्टा ग्रामेटिस की मदद से संभव हुआ है। इस कैमरे की एक खास बात यह है कि यह 30 मिनट तक बिना चार्ज हुए रिकॉर्डिंग कर सकता है। इस कैमरे में LED भी लगी हुई है जो रिकॉर्डिंग के दौरान लाल रोशनी फेंकती है। रॉब स्पेंस ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अलग ही पहचान बना ली है। अब साइंटिस्ट इस फील्ड में और तरक्की करने में जुट गए हैं। अब वो दिन भी दूर नहीं है कि हमको एक इंसान में आँख के अलावा दूसरे हिस्सों में भी माइक्रोचिप्स लगी मिले। तो दोस्तों, इस साइबॉर्ग रेवोल्यूशन की वजह से जो हम अभी तक सिर्फ फिल्मों में देखते आए थे, वो अब असल दुनिया में भी मुमकिन होता नजर आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।